तमाम बहुजन समाज के लोग दिल्ली नहीं भारत ही नहीं विदेश भी बाबा साहब की जयंती मनाता है। देखिए बाबा साहब को सारा देश नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सीमा प्रकाश है, मैं कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल में रहती हूँ। मैं जो आपने विषय पे बात की उस पर ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने 50 में हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की थी, जिसका कि कास्ट हिंदूज ने बहुत विरोध किया था उस समय पे, जिसमें कि नारी को उन्होंने समानता देने की कोशिश की थी। जो पारिवारिक संपत्ति थी उसमें 50% मतलब बराबरी का हिस्सा स्त्रियों को मिलना था, पर उस समय जिस बिल को उन्होंने इतना विरोध किया 21वीं शताब्दी में वही बिल दोबारा से संसद में पास हुआ और उस पर कानून बना। तो आप बाबा साहब के प्रोग्रेसिव थिंकिंग के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि नो कंट्री कैन बी ग्रेट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस एंड नो वुमेन कैन बी ग्रेट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स नेसेसिटी। मतलब कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता खो के महान नहीं हो सकता और कोई भी स्त्री अपना सम्मान खो के महान नहीं बन सकती। तो बाबा साहब स्त्रियों के विषय में काफ़ी कुछ बोलते थे और उनका जो सोच थी वो काफ़ी क्लियर थी। जो मंदिर में प्रवेश की बात थी उसमें भी बाबा साहब मंदिरों से उनकी दिलचस्पी हट चुकी थी, पर क्योंकि उनकी माता जी का उस समय भी विश्वास था इसलिए उन्होंने जो मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन चलाया था, उनकी माता भी एक स्त्री थी और वो उनके इतने सम्मान करते थे कि उनके सम्मान में उन्होंने ये मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया था, जबकि बाबा उस समय तक बुद्ध धर्म को ऑलमोस्ट फॉलो करने लगे थे, कन्वर्जन नहीं हुआ था, पर उन्होंने ये जो आंदोलन चलाया था अपनी माता जी के उससे चलाया था। दूसरा, जो बाबा साहब स्त्रियों को चाहते थे कि वो समाज में बढ़ चढ़ कर भूमिका लें, संगठित बने, शिक्षित बने, उन्होंने स्त्रियों को, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है कहीं भी किसी भी देश की किसी भी संसार में सभी देशों में 50% स्त्रियां होती हैं, और अगर स्त्रियां ही पढ़ेंगी, शिक्षित बनेंगी, संगठित होंगी, अंधविश्वासों से मुक्त होंगी, अपने बच्चों को कर्मकांड से बाहर नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? ऐसा कारण क्या है? ऐसा कारण लेकिन कर्मकांड से बाहर नहीं आ पा रही है, इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि समाज में जो अभी त्रुटियां हैं वो जो अभी इतनी बुरी तरह से फैली हुई हैं कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस बात का डर लगता है कि मेरा कुछ बुरा ना हो जाए। जो गॉड फियर है, जो कि एक हिंदू धर्म की खासियत है, गॉड फियरिंग, गॉड क्या डरने की चीज़ है? कोई भूत है? नहीं है ना। फिर भी क्यों डराया जाता है? डरा डरा के उन्हें ये समझाया जाता है कि तुम डरो और ये करो। डॉक्टर प्रकाश जी, आपकी तरक्की में किसका हाथ है? देवी देवताओं का हाथ है, बाबा साहब का संविधान का हाथ है? देखिए, बाबा साहब और मेरे माता पिता, मेरी माता बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने खुद ही घर में पढ़ के लिखना पढ़ना सीखा, वो न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, वो सब कुछ समझ सकती हैं। मेरे पिताजी IRS थे, वो पढ़े थे पर गांव से, बिल्कुल गांव की बैकग्राउंड से, तो उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं होता, पढ़ने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलनी थी, क्योंकि हर जगह पर हाई कास्ट हिंदूज अछूतों और शूद्रों को नौकरी नहीं लेने देते। डॉक्टर प्रकाश जी, कहा जाता है कि जो शिक्षा की जो देवी है वो सरस्वती है और जो धन की जो देवी है वो लक्ष्मी है, आप इन पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए, मैं अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मैं भगवान बुद्ध को पूरी तरह से फॉलो करती हूँ और एक तरह से बाबा साहब भी हमारे भगवान ही हैं, ठीक है, हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, पर मैं बाबा साहब को भगवान के दर्जे में इसलिए नहीं रखना चाहती कि उनके साथ भी अंधविश्वास ना जुड़ जाएं कहीं जी। लोग ये ना करने लगे कि उन्हें फॉलो ना करें, उन पर माला चढ़ाएं, उनके आगे अगरबत्ती जलाएं और उनको जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको ना माने। हमें बाबा साहब की शिक्षाएं माननी है, ना कि हमें उन्हें भगवान बनाना है। हमें अपने मन से उन्हें भगवान मानना है पर हमें उनकी शिक्षाओं पर अमल करना है। महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो शिक्षित बने, अपने समाज को शिक्षित बनाए, संगठित बने, अंधविश्वासों से मुक्त रहें और साइंटिफिक सोच रखें, मतलब पाखंडवाद को छोड़ें, पाखंडवाद से दूर निकले, ठीक है।